हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ भरवा करेले की रेसिपी। ये भरवा करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले करेले को छील लेना है और उसे एक कढ़ाई या पतीले में आधे छोटे चम्मच नमक डाल के उबाल लेना है। करेले को पूरी तरह से न उबाले, सिर्फ ऊपर का हिस्सा सॉफ्ट हो जाए बस उतना ही उबाल। करेले को उबलने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, तब तक हम मसाले को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले मिक्सी जार। मिक्सी जार में डालेंगे हम एक कटा हुआ प्याज, एक हरी मिर्च और एक गांठ लहसुन, 10 से 15 काली मिर्च, एक चौथाई चम्मच जीरा, एक चम्मच भर के धनिया पाउडर। अगर आपके पास जीरा, काली मिर्च और धनिया तीनों का मिक्स पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच सौंफ। इसके बाद लेना है 1.5 चम्मच के करीब पीली सरसों। जी हाँ, इसमें जो एक मेन सामान जो है वो पीली सरसों ही है। इसके जगह आप राई का इस्तेमाल ना करें, पीली सरसों का ही इस्तेमाल करें। हल्दी को भी इसी में डाल लेंगे 1/2 छोटे चम्मच। उसके बाद 1/2 कप पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये सब मसाले अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उस पर भी बना सकते हैं। मसाला हमारा पीस के तैयार है तो इसे ढक के एक साइड में रख देंगे और चलते हैं आगे के प्रोसेस में। करेला हमारा उबल गया है तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद एक करेला लेंगे, करेले के बीच में चाकू की मदद से एक लंबा कट लगा लेना है इस तरह से, और इसके अंदर के सारे बीज को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने सारे बीज को बाहर निकाल लिया है एक एक करके, और बीज को फेंकना नहीं है आपको, इसको रखना है। अगर आपको बीज खाना पसंद है तो आप इसको रखें, नहीं तो हटा दें। एक कढ़ाई लेना है, कढ़ाई के गर्म होते ही थोड़ा सा तेल डालेंगे। सरसों का तेल है, इसको हमें बहुत ही अच्छे से गर्म करना है। तेल के गर्म करते ही उसमें हम कुछ फ़ौरन डालेंगे। फ़ौरन में मैंने लिया है सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन, कलौंजी और थोड़ी सी हींग। ये सारी चीज़ें बहुत ही थोड़ी रहनी है हमें। इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, मैंने वहीं पर सारी चीज़ों के बारे में डाल दिया है। फ़ौरन के डालने के कुछ देर बाद इसमें जो मसाले हमने तैयार करके रखे थे वो डाल देंगे। अब मसाले को बहुत ही सावधानी से डालें क्योंकि इसे डायरेक्ट तेल में डालना है तो छींटे पड़ सकते हैं। जार में थोड़ा बहुत जो भी मसाला बच गया है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी बाकी मसाले के साथ मिला लेना है। इससे मसाला बिल्कुल जलेगा भी नहीं। यहीं पर हम करेले के बीज को भी डाल देंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आपको बीज खाना है तो डालें, ना तो ना डालें। और यहीं पे मैंने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है, और इसे बराबर तरीके से चलाना है, और चलाते चलाते आपको भूनना है। इसको तब तक भूनना है जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए अच्छी तरह से और इसका क्वांटिटी कम ना हो जाए। ये देखिए, इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसे हमें और भूनना है। ये देखिए, मसाला हमारा अभी भून के तैयार हो गया है। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 कटा हुआ नींबू का रस। आप नींबू के रस के जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मसालों को प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। मसाला हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो हम इसे करेले में भरना शुरू करते हैं। तो आप चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करेले में मसाला भरते जाएँ। करेले में मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली ही रखना है, क्योंकि आप इसे फ्राई करेंगे ना तो ये मसाला बाहर की तरफ नहीं निकलेगा और ना ही इसे किसी धागे से सिक्योर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मसाला इसके अंदर थोड़ा कम ही भरे। एक एक करके सारे करेले में मसाला भर के तैयार कर लेना है। मसाला हम कम इसलिए भरते हैं, जब इसे तेल में फ्राई करेंगे तो इसके आकार में बदलाव आता है, तो ज़्यादा भरने से मसाला ना बाहर निकलने लगता है। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही मसाला कम भरो। करेले में मसाले भर के तैयार कर लिया है तो चलते हैं अब इसे फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के लिए मैंने वही कढ़ाई ली है, आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए सरसों का तेल ही यूज किया है। तेल के गर्म होते ही एक एक करके करेले को डालते जाएँगे और इसे थोड़े देर के लिए छोड़ देंगे। आपको इसे तुरंत नहीं चलाना है, नीचे का हिस्सा थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब इसे पलट दें। थोड़े देर के बाद इसे आपको एक कलछी की मदद से पलट देनी है। इसे आप सावधानी से पलटें, नहीं तो मसाला बाहर आ सकता है।
दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये पहले से उबला हुआ है। करेले को चारों तरफ से ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो देखा आपने, ये करेला का भरवा बनाना कितना आसान है। आपको ना ही इसे धागे से सिक्योर करने की ज़रूरत है और ना ही ये खाने में कड़वा लगता है। तो हमारा भरवा करेला बनके तैयार है। इसे अब हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो देखिए ये कितनी अच्छी मज़ेदार हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। और इसे बनाना कितना आसान है, बहुत ही कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाता है। इसमें मसाले भी बहुत ही कम पड़ते हैं। जो लोग इसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ना, तो इसे खाना शुरू कर देंगे। आप इस भरवा करेले की रेसिपी को बनाइए और मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर करिए। भरवा करेले की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।